प्रोग्राम टॉक ऑन टैक्स दे विच एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। तो जिदा कि हर वार टैक्स नाल रिलेटड असी ये प्रोग्राम लैके तुहाडे नाल मुरे हाजिर हुन्ने आ। तो कोई भी तुहाडा क्वेश्चन होवे टैक्स नूं लैके, बेशक वह इनकम टैक्स होवे, GST होवे, जां किसी भी तरह का कोई भी टैक्स जिहड़ा आ साडे ते लगदा आ, उहदे संबंध च सारी जानकारी देने लई, ते कोई भी तुहाडे मन दा क्वेश्चन होवे उहदे आंसर देने दे लई असीं तुहाडे लई ये प्रोग्राम लैके आउंदे आ। ते सारे तुहाडे क्वेश्चनां दे आंसर देने लई हर वार दी तरह इस वार भी साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने मुकेश गेरा जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, बहुत सीनियर, ते जिहड़ियां ने सेवावां दे रहे ने, लोकां दी सेवा भी कर रहे ने, ते नाल दी नाल जो भी किसी की कोई अकाउंट्स नूं लै के समस्या आया वह भी दूर करते हैं। इन्हां ने अपना हैल्पलाइन नंबर दिता होया इस प्रोग्राम के लिए, खासकर कि जे साडे दर्शकों के कोई भी कोई समस्या होवे तो इन्हां नूं वट्सएप कर सकता है, जां कॉल करके अपनी समस्या जिहड़ी आ पुछ सकता है, जां उहदे बारे सलाह जिहड़ी आ इन्हां तों लै सकता है। ये नंबर साडे उह साडी स्क्रीन उत्ते डिस्प्ले ने। तो पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहला तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी मुकेश जी। थैंक यू सर। मुकेश जी, आपां गल करदे आ GST दी। तो GST दे विच जदों आपां गल करदे आ तां इक शब्द जिहड़ा आ उह बार बार आउंदा, ITC। ITC नहीं बोलदी, ITC जिद्दां ITC दा। ITC है की आ सर? एक्चुअली ITC की आ, GST दे विच जदों असीं कोई भी परचेस करके लैके आने आ किसी भी चीज़ की, वह तो सानू बिल मिलता, बिल के उपर जो टैक्स है वह बखरा लगता। टैक्स जरा तीन तरह का आप टैक्स कह दें, एक तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट लेंदी वह टैक्स आ जाता, एक अपना होंगे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स है, एक सेंट्रल का जो पार्ट होंगे जिन्होंने आप CGST कह दें, SGST कह दें, IGST कह दें, वो डिपेंड करता कि आप जी सेल है वह कितने की हुई है। आप सेल बाहर कर रहे हैं अपनी स्टेट तो बाहर कर रहे हैं कि स्टेट के अंदर कर रहे हैं। हुण आपां मान लो परचेज की है कोई, जिस तरह आपां लोकल है कोई फुगाड़े तो आपां डीलर है किसी तो परचेज की है, जो सानू बिल देगा वो उपर अमाउंट जी परचेज की है उस तो इलावा वो टैक्स लगाएगा, CGST वखरा लगाएगा और जो SGST है वो वखरा लगाएगा, उन्हूं असीं ITC कह दें। ITC जरा ही मिलेगा जिहड़ा कि अगों रिटेल हैगा है। मान लो आप मैं किता है, मैं किसी तो परचेज की है, वो डीलर सेगा, उन्हें मैनू मेरे को GST नंबर से, मैं उन्होंने अपना GST नंबर देता, दैन जो उन्हें मैंने बिल कटिया वो पर जे कोई टैक्स लगा हैगा वह जो मैनू है वो रिफंड मिलेगा, जो मैं एडजस्ट कर सकता अपनी सेल के। ITC है, तो शब्द कई आम देखने मिलते हैं बी थोड़ा ITC नहीं बोलता। बिल्कुल जी, ये किदा बोलना इन्हें सर? इस तरह है, मान लो आप एक परचेज की है, मान लो मैं एक सीमेंट की परचेज की है, मैं 1 लाख रुपए का सीमेंट परचेज किया, वो उपर 28,000 रुपये मैंने टैक्स लगा, ठीक है जी, 28% लगा, या आप 18% की गल कर लें, 18,000 रुपये मैंने वो उपर टैक्स लगा। वो परसन ने की किया है, जो अपने रिटर्न फाइल की, वो रिटर्न एक दिन लेट फाइल कर ली, मान लो GST 1 जी आप सेल की रिटर्न की गल करते हैं, वो सेल की रिटर्न एक दिन लेट हो गई, वो एक दिन लेट होने करके जो क्रैडिट सेगा जिन्हें उस तो परचेज की है उन्होंने नहीं मिलेगा, वह जो क्रैडिट उदो मिलेगा हूँ नैक्सट मंथ, जो उन्हें एक दिन रिटर्न लेट फाइल की है, जे उन्हें 13 तक रिटर्न फाइल कर दी जैन वह क्रैडिट जो सूँ मिल जाएगा। या सैकंड ऑप्शन ये हो सकती है, उन्हें GST 1 के सानू क्रेडिट देता, लेकिन उन्हें अपनी GST 3B सी जी मंथली रिटर्न आप जाने या क्वार्टर रिटर्न GST 3B है वो जी पोर्टल के उपर अपलोड नहीं की हुई, जब तक अपलोड नहीं होगा सानू वह जो क्रेडिट है वह नहीं मिलेगा। तो जो आप परचेज कर लें किसी चीज़, बिल्कुल कर ली जी, किसी एक कंपनी तो कर ली, जां एक सिंपल किराने की शॉप तो कर ली जिसे कोल GST नंबर है, जां कुछ इदां दी कोई भी आम शॉप को इलेक्ट्रिक भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है, उदो सानू बिल लैन लगे आपां नूं कीड़ी कीड़ी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जे तो जे असी खुद GST नंबर होल्डर आ। सर इस तरह ने देखो, जे तो मैं रिटेल परचेस कर रहा दैन तो GST का मैंने कोई बेनीफिट नहीं है, ठीक है, वो तो मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, लेकिन जे मेरे को ऑलरेडी मेरे को GST नंबर हैगा है दैन मैं देखूंगा, जे तो मेरी ट्रेडिंग रिलेटेड हैगी है दैन मैंने ITC मिलेगा, अगर मेरी ट्रेडिंग कंसर्न नहीं हैगी दैन मैंने वह ITC नहीं अवेलेबल होएगा, वो मेरी कॉस्ट ही होएगी। सपोज मैं गल करता हाँ, मैं एक कम कर रहे हैं, ठीक है, मेरी एक किराने की शॉप हैगी है, मैं उस एक रेफ्रिजरेटर लिया क्योंकि मैं आइसक्रीम्स रखनी है या मैं कोई फ्रोजन फूड रखना है, वो जोड़ा मैं लिया वो फ्रि परचेज किया, मैं रेफ्रिजरेटर या फ्रिज परचेज किया, वह मैंने जो ITC क्लेम मिलेगा, और इस तरह मैं कोई AC लिया मैं वह भी ITC क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर मैं कोई कार ली है जी कार ली है वह मैं ITC क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेरे बिजनेस यूज के लिए नहीं है। लेकिन जे मेरा कार टूर एंड ट्रैवल का कम है और मैं कार परचेज की है फॉर द टूर एंड ओपरेटर लिए दैन वह जो मैं ITC क्लेम वो मिलेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होंगे, किसी टाइम अपन ITC क्लेम मिलेगा, किसी टाइम ITC क्लेम नहीं मिलेगा, ये जो रूल है जो लॉ है वो अकॉर्डिंग ही अपन
करना पड़ेगा। कार जी तुम गल कर रहे हो, कार एक जो उन्हें टैक्सी ले लिया तो ही चलेगा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, फिर उन्होंने ITC के लिए मिलेगा ना, क्योंकि नेचुरल जो चार्ज करेगा, सर्विस चार्ज करेगा, वो उपर GST लगा के देगा और नेचुरल वो GST एडजस्ट होगा जो उन्हें कार ली है, और GST एडजस्ट होगा जी। GST जो बिल्कुल हो जाएगा, वो एज ए टैक्सी यूज कर सकता, होम यूज लई नहीं। जी होम यूज लई नहीं सर, होम यूज लई नहीं यूज कर। बिल्कुल सर बिल्कुल डेफिनेटली। तो सपोज कर लो किसी ने GST नंबर नहीं है, कोई दुकानदार है उन्हें, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उनको GST नंबर नहीं है कि रिटेल करता है, उन्हें बिल लैंदा लेकिन वह जरा जितों उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर तो लैके आंदा है उन्हें रिटर्न नहीं भरी, तो भी उन्होंने पूछा जा सकता दुकानदार को? सर नहीं पूछा जाएगा ना, क्योंकि वो GST नंबर ही नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਉਹ ਭਰੇ ਨਾ ਭਰੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ GST ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਜੇ ਕੋਈ GST ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀਏ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ITC ਕਲੇਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ GST R10 ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ GST 3 ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ GST 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਜਾਂ GST 1 ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵੋਇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਨਵੋਇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ। ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ITC ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ITC ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ GST R1 ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, GST R1 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਲਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ 2A ਜਾਂ 2B ਪੋਰਟਲ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ GST 3B ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3B ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨੇ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੇਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਰਚੇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ITO ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦਿਓਗੇ, ਚੱਲਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੋਡ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ GST 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਡੇਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਵਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਸ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ GST 1 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ, 18,000 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ 18,000 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਉਹ ਡਬਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੈਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ GST ITC ਆ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GST ਆ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹੋਟਲ ਨੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੈਟਰਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਕੈਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ GST ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ GST ਕਲੇਮ ਉਹਦਾ GST ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ETO ਦੱਸੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇ? ਸਰ ਆਏਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਏਗਾ, ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੀਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ GST ਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼
दैन उसका सूँ जी एस टी क्लेम नहीं मिलेगा, वो सारी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ऐड होएगा। लेकिन जी एस टी रिपेयर की है, रिपेयर के उपर मेरा कोई लगाया, दैन वो जी अमाउंट हैगी मैं जी एस टी क्लेम कर सकता। लेकिन ये आलसो डिपेंड उही करेगा क्वांटम किन्ना तुहाडा। मान लो एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बनी 10 लाख की, ठीक है, नहीं वह मिले लेकिन रिपेयर हुई है 1 लाख रुपए की, वह जी एस टी मिल जाएगा। लेकिन रिपेयर ही कहने 10 लाख की हुई है, वह नहीं मिलेगा। डिपेंड करेगा कि तुहाडी फिक्स एसेट किन्ने की हैगी, क्वांटम की है। तो इदा ही जे आप सपोज कर लो किसी बिजनेसमैन ने आम यह देखने चाहता कई बार कि भी किसी ने एक ए सी लिया, बेशक उन्हें पहला कंपनी चलाया बाद चाहिए घर लै गया, जहाँ घर ए सी लाया उन्हें बिल कंपनी च पाता जिदा कर दिता, एक कोई लिमिट होंगी कि किन्ने की टर्नओवर या किन्ने ए सी लगा सकता है जिदा इदा कुछ? नहीं सर, इदा की कोई लिमिट नहीं है, जिन्नी मर्जी ए सी वो लै सकता है, ठीक है। लेकिन जेकर ईटीओ ने वेरीफिकेशन कर ली और जे तुहाडे ऑफिस विच नहीं लगा होएगा, दैन फिर कितना फाइन होएगा? फाइन सर आई टी सी रिवर्स होएगा। लेकिन चेक कर आ नहीं सकते, विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ही चेकिंग हो सकती है, तुहाडे यूनिट दे विच विजिट नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक्चुअली हुण गवर्नमेंट दे जिहड़े नवें रूल्स आए आ जीएसटी दे, कोई भी इंस्पैक्टर तुहाडी शॉप ते नहीं आ सकदा। तो मुकेश जी गल करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के उत्ते भी कोई जी एस टी का है कि जी एस टी लगता है या किस तरीके नाल होंदा? नहीं सर, प्रॉपर्टी इस तरह जी असं कोई प्लॉट परचेज किया या सेल किया उस पर गवर्नमेंट दी स्पेशल इंस्ट्रक्शनस है कि कोई गुड नहीं है, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है गुड्स के उपर है, इस करके प्रॉपर्टी परचेज करते या अपना सेल करते जब कोई जी एस टी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हैगी। लेकिन हुण गल बनती है अपना अपार्टमेंट की, एक बिल्डिंग होंगी है, लैंड होंगी है, लैंड के उपर आप अपार्टमेंट बनाते हैं, अपार्टमेंट 10 मंजिली हो सकता, 20 मंजिली हो सकता, 50 मंजिली हो सकता। हूँ लैंड तो आप सेल नहीं कर रहे, आप अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं, लेकिन वो भी इमोबल प्रॉपर्टी है, वो उपर जी एस टी एप्लीकेबल है। अच्छा, उस जी एस टी जो बिल्कुल सर एप्लीकेबल है, वो जी एस टी जरा है परचेज कर जो अभी करेंगे जी एस टी गवर्नमेंट पे भी करेंगे। मुकेश जी, अगर वही अपार्टमेंट उन्हें होम यूज ले लिया कि उन्होंने जी एस टी मिलेगा? नहीं सर, होम यूज़ लई जी एस टी नहीं मिलेगा। जो उन्हें गैसट हाउस सपोज कर लो कि जो कंपनी के गैसट आते हैं उत्थे आके रुकते हैं, जो उस काम ले लिया फिर की जी एस टी क्लेम कर सकते? बिल्कुल क्लेम कर सकते। डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं, हेल्प सेंटर हैगा या तुसी उन्हें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है, यस सर, तुहानू गाइड करनगे प्रॉपर। तुहानू ये भी देखो, तुहानू जदों आपां जी एस टी नंबर रजिस्टर करते हैं उत्थे आपां मोबाइल नंबर देने या ईमेल आई डी देने, वो ईमेल आई डी जिहड़ी तुहाडी हुंदी है, जी एस टी फोन नंबर भी तुहाडा हुंदा, उत्थे बकायदा मैसेज आता हर एक चीज़ का, जदों कोई नोटिफिकेशन आती है या तुहाडी ड्यू डेट है 2 दिन पहले तुहानू इंटीमेट किया जाता है। अच्छा, एक सौखा जिहा लास्ट सवाल। हाँ जी, हाँ जी, की एडवाइस दिने साडे दर्शकां नूं कि वो नोटिस जिहड़े आउंदे आ उन्हां तों बच सकन बगैर किसी झंझट दे अपना बिजनेस जिहड़ा आ ईजी तरीके नाल चला सकन, एक टिप्स? नहीं देखो, जिन्हें बिजनेसमैन उन्होंने ये चाहिए है कि अपनी जी रिक्वायरमेंट हैगी है, कोई भी गवर्नमेंट वालों तुम्हें नोटिस आता है, कोई लैटर आती है, या आप आई टी सी परचेज करते हैं या सेल के उपर है, विद इन टाइम अपना काम करी जाओ। जब तक तो विद इन टाइम काम करी जाओगे और तुम टैक्स जरा पे करते हैं गवर्नमेंट वालों तुम्हें कितने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन तुम कितने माल प्रैक्टिस की, कितने एक अद्धी कोई गलती कर दी है, ठीक है, दैन गवर्नमेंट तो नोटिस आएगा और तुम उत्थे नियर अबाउट उन्होंने को लिस्ट में आ जाने कि ये जरा जी एस टी रजिस्टर होल्डर हैगा कितने कितने मिसटेक करता है। सो बैटर यह है कि तुम अपनी जिन्नी प्रोविजनस है जो गवर्नमेंट कह रही है उन्होंने फॉलो करी जो डेट्स ऑल, और कितने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर जो नोटिस आता जवाब जरूर दो, कभी यह ना होगनोर करके नहीं, इग्नोर जो तुम कर दोगे तो आई टी सी ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, तुम आई टी सी क्लेम नहीं लै सकते, दैन यू हैव टू पे कैश या बाय बैंक तुम अकाउंट जी एंट्री आई टी सी वो पे करना पेगा। मान लो तुम्हारा 8 लाख आई टी सी पिया भी अकाउंट के मिलेगा। अच्छा, ब्लॉक हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। थैंक यू मुकेश जी, बहुत थोड़ा धन्यवाद कि तुम कीमती समय में जो टाइम कढ़ के साडे दर्शकों को इन्नी सोहनी जिहड़ी जानकारी दित्ती। तो थोड़े मन में भी अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी टैक्स को लैके तो साडे नंबर थले डिस्प्ले ने, हैल्पलाइन नंबर ने, तुम मुकेश जी उत्ते वट्सअप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो फोन भी कर सकते हो, तो थोड़े जिहड़े आंसर आ वो थोनों नैक्सट प्रोग्राम के जोड़े आ इस जगह उत्ते दिते जाएंगे।
ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।